मेरा नमन। इस सभागार में बैठे हुए सभी मेरे वरिष्ठ भाइयों बहनों और मित्रों, मेरी बात बहुत संक्षिप्त में रखने की कोशिश करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा हमारे देश का पहला मॉडल है जो किसी पब्लिक सेक्टर ने किया है। हमारी संस्था हिंदुस्तान पेट्रोलियम SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन SPCL में कार्यरत है पिछले करीबन 25 सालों से, और हम लोग एक थीम को लेकर चलते हैं, एक्सेल लेड टू एक्सेल विथ लव। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज, हम खुद और हमारी कंपनी, तीनों के लिए हम इक्वल योगदान देंगे। और समाज के लिए जो योगदान देने का हमने शुरुआत किया वो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट करने की बात रखी गई। ये एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट की बात इसलिए रखी गई कि करीब 1918 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने एक किताब लिखी है स्मॉल होल्डिंग्स एंड इट्स रेमिडीज इन इंडिया। उस किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि अ फार्मर शुड सेंड वन ऑफ हिज चाइल्ड टू बिकम एंटरप्रेन्योर, सेंड अनदर चाइल्ड टू बिकम अ सर्विस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। गर्ल चाइल्ड अगर है तो उसको शिक्षा क्षेत्र में भेजना चाहिए, उसको टीचर बनना चाहिए, और खाली एक ही जो सन है उसको खेती में रखना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा था। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ द फार्मर डज नॉट इम्प्रूव देन ही मे सुसाइड, 100 साल पहले बाबा साहब ने एक किताब में लिखा है। तो इसी एंगल से हम लोगों ने सोचा कि अगर बाबा साहब ने बोला है कि भाई एंटरप्रेन्योर एक लड़का बनना चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज़ हमने करनी चाहिए कि जहाँ से हमारे जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बने। इसकी आगे की कड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 में आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे तभी, उसमें यह लिखा गया है कि 20% जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उसमें से 20% दैट इज टोटल 4% ऑफ द प्रोक्योरमेंट शुड बी फ्रॉम SC ST एंटरप्रेन्योर्स। एक्चुअली ये जो पॉलिसी बनी वो 2015 से मैंडेटरी बनी है, ये इसी जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ था ये पॉलिसी तभी उसी में ये लिखा हुआ है। सो नाउ इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन इन द प्रोक्योरमेंट। 358 आइटम जो है ये मैंडेटरी आइटम्स है। अभी ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हमारी देश की बात करेंगे कि वर्ल्ड में हमारा नंबर कहाँ पे है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 2014-15 में 130वें नंबर पे थे, जहाँ पे हमारे देश में बिजनेस करना कितना खतरनाक है, कोई डेयरिंग ही नहीं करता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी सर, इन्होंने 69th इंडिपेंडेंट डे को एक कॉल दिया था, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, जहाँ की उन्होंने एक अपनी मनीषा जाहिर की थी कि हमारा देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है हम लोग एटलीस्ट 50 तक तो लेके आएंगे, और काफ़ी सारी योजनाएं भी बनाई। ये दो तीन चीज़ें जो है इसमें हमने देखने की कोशिश की कि भाई अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे देश में, अगर SC ST की हम बात करें। सो 3 साल का डाटा मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की, 2013-14-14-15 और 15-16। ये डाटा में अगर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट है SC ST प्रोक्योरमेंट जो कि 4% होना चाहिए, वो कितना है, करीबन 0.04-0.05-0.07 इस तरीके का हमारा प्रोक्योरमेंट है, विच इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, 0% के आसपास ही हमारा ये प्रोक्योरमेंट है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है मुझे पता नहीं, अगर इसके ऊपर अगर कुछ काम नहीं हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये ऐसी रहेगी, पेपर पे हमारा खाली रहेगा 4% रिजर्वेशन, बट एक्चुअल में यही सिचुएशन हमारी है। तो इन चीज़ों में ध्यान में रख के हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हमने ये देखा कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि हमारे देश में आज SC ST एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये कमी किसके वजह से है, जो दो तीन रूट काज इमिडिएटली जो सामने आते हैं वो ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इंक्लूजन इज़ अ बिग चैलेंज टुडे की आज के तारीख में भी, जैसा कि हम लोग कल दो दिन से सुन रहे हैं। नो प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस हैंड होल्डिंग मेंटोरिंग फॉर SC ST यूथ हु आर एस्पायरिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स एक मेजर कारण है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैंने बताया वो एक कारण है। अभी इसी बात को ध्यान में रख करके हमने एक कॉन्फ्रेंस 2013 में मुंबई में की, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राज चौधरी साहब थे, और ये कॉन्फ्रेंस ने हमने डिसीजन ये ली कि भाई 125वीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है, हम कम से कम प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट 125 एंटरप्रेन्योर्स हम SC ST में से क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप अप्रूवल दो। तो ये दिस वॉज द सीड इन 2013। उसके बाद में 2 साल हमने इसके ऊपर काम किया और किस तरीके से मॉडल बनाना है, हमने SPGN इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि अंधेरी में है, जो मेरा कॉलेज है, मेरे प्रोफेसर है डॉक्टर शेषा अय्यर,
करके इनके हेल्प लेकर के हमने ये मॉड्यूल डेवलप किया। और 2015 में जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम निशी वासुदेव और बाकी सभी डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, उनके समक्ष हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें एक महीने का ट्रेनिंग कोर्स होगा, एक महीने के बाद में एक साल तक हम इनका हैंड होल्डिंग करेंगे। 13 महीने का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्लासरूम में बताएंगे व्हाई वी शुड डू बिजनेस, व्हाट बिजनेस वी शुड डू, हाउ टू डू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज स्पेशल एंड अदर सेक्टर्स। एक साल का जो है हैंड होल्डिंग रहेगा ये एचपीसीएल्स के ऑफिसर्स करेंगे एज एंटरप्रेन्योर गुरु और टेक्निकल गुरु। और एचपी सेवा के जो मेंबर्स है ये अपने ये एंटरप्रेन्योर जो बनेंगे हर एक को अडॉप्ट करेंगे प्रोफेशनली एज एंटरप्रेन्योर मम्मी और एंटरप्रेन्योर डैडी। सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसका जो एडवर्टाइजमेंट हम सोशल मीडिया पे करेंगे ताकि खर्चा कम हो। सिलेक्शन के लिए हम लोग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यूज करते हैं जिसमें हम लोग 35 कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम कोई भी फीस या चार्जेस कोई कैंडिडेट से लेते नहीं है। ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग रहता है एक महीने का जो हम कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। जो पहली बैच बनी हमारी 2015 में उसमें जो 35 एंटरप्रेन्योर बने उसको मेंटर करने के लिए 76 एचपीसीएल के ऑफिसर सामने आए। सेकंड बैच जो बनी उसमें 83 ऑफिसर सामने आए और थर्ड बैच जो बनी अभी अभी विशाखापट्टनम में उसमें 82 ऑफिसर सामने आए। तो इस तरीके का हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं ये डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हैंड होल्डिंग जो है सभी को हर एक एंटरप्रेन्योर को एक एचपी सेवा फैमिली मिल रही है। ऐसे हमने अभी तक 105 हमने जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे एस सी एस टी समाज के बनाए हैं। इनका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जीएसटी और बाकी जो भी पेपर वर्क है इनकी कंपनी प्रोप्राइटरी फॉर्म बनाने के लिए हमने जो हेल्प की है उसकी वजह से कंपनीज भी बन चुकी है। और ये कंपनीज अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रजिस्टर्ड वेंडर भी है। ये जो एरिया इनकी फंक्शनिंग की अगर आप देखेंगे कि वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, मटेरियल टेस्टिंग एनडीटीज, स्ट्रक्चरल ऑडिट्स, लाइटिंग सर्विस एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में है, इंजीनियरिंग स्पेयर्स में है, प्रिंटिंग कैंटीन सप्लाईज, हेल्थ एंड हाइजीन, अपैरल्स, फर्नीचर, सेफ्टीज, आईटीज, इतने जो जितनी भी एरियाज है इसमें ये जो हमारे यूथ है ये काम कर रहे हैं। जो सेकंड बैच हमारी थी वो खाली गर्ल्स की बैच थी। एक पॉलिसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बनाई, स्पेशल पॉलिसी ये बनाई। ये पॉलिसी कोई भी पब्लिक सेक्टर में नहीं है, ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्पेशल पॉलिसी है जहाँ पे 10 लाख रुपये तक का जो टेंडर है हम लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर ये विन करते हैं तो और एक टेंडर देते हैं। तो दो टेंडर अगर दो परचेस ऑर्डर इन्होंने 20 लाख की अगर कंप्लीट करी तो इनका फाइनेंशियल लिमिट डायरेक्टली 30 लाख रुपए करते हैं। और 30 लाख रुपए की जब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रेगुलर प्रोसेस है उसमें चले जाते हैं। इस तरीके से एक एक्सेलरेटेड पॉलिसी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारे देश की एकमेव संस्था है पब्लिक सेक्टर है जिसने बनाई है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इसकी सराहना करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये पॉलिसी किसी ने नहीं बनाई, हम लोगों ने बनाई। सीएफडी गाइडलाइन जो मैंने बताई वही है। प्रोग्रेस ऐसा है 200 से ज़्यादा टेंडर अभी तक इन लोगों ने भरे हैं। उसमें से मोर देन 50 परचेस ऑर्डर्स में कन्वर्ट हुए हैं। जो टेंडर टू परचेस ऑर्डर कॉम्पिटिटिव होता है ये लिमिटेड और कॉम्पिटिटिव, इसकी वजह से 22% कन्वर्शन रेट है। ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ का जॉब्स टेंडर्स इन लोगों ने कंप्लीट किए अभी तक। छोटे छोटे जॉब्स तो उसकी कोई गिनती मैं रखता भी नहीं हूँ। बीपीसीएल ने ऑलरेडी एक बैच की है, हमारा सेम प्रोजेक्ट अडॉप्ट करके भारत पेट्रोलियम ने भी एक बैच की है और उन्होंने भी परचेस ऑर्डर इश्यू करना चालू किया है। अभी तक देखा गया है कि हमारे ये जो लड़के हैं और लड़कियां हैं ये इसमें से कोई भी फेल नहीं हुआ। जिन्होंने परचेस ऑर्डर लिए है सक्सेसफुली कंप्लीट की है, कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं है। डिलीवरी क्वालिटी क्वांटिटी और कॉस्ट ये सभी फैक्टर्स में हम लोग खरे उतरे हैं। गेल भी सामने आया है जिन्होंने अभी हमारे साथ 50% पार्टनरशिप भी की विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक एमओयू साइन किया कि भाई हम लोग आपको हेल्प करेंगे हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ। और ये जो है हम लोग एक और कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाहर भी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें भी ये लोग जाए और अपने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी ले, इस तरीके हम लोग उसे एडवर्टाइज करते हैं। ये हमारी फर्स्ट बैच है EDP1 जो आप देखेंगे। हमारे जो डायरेक्टर हैं पुष्प कुमार जोशी सर जो हमारे प्रोजेक्ट के बैकबोन भी है, काफ़ी हेल्प करते रहते हैं हमको उनके साथ। ये बैच के एक कैंडिडेट हमारे राजा भाई यंगड़े जी भी यहाँ पे है, नांदेड़ से आए हुए प्रोग्राम अटेंड करने के लिए।
सेकंड बैच ये लड़कियों की बैच थी, आना चाहती थी लेकिन समय की कमी की वजह से कोई आ नहीं पाया। थर्ड बैच हमारी विशाखापट्टनम में हुई है, अश्विन कुमार हरियाणा से है, विशाखापट्टनम में आकर के उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की। एक कुछ फोटोग्राफ्स है, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज है हर एक की। किसी ने किसी का पिताजी पोर्टर थे लेकिन दो साल के अंदर स्कूटी भी आ गई, दुकान भी बन गया। किसी का कोई लड़का है जिसका बाप ही नहीं है, माँ ने उसको पला बड़ा, आज भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 25 लाख और भारत पेट्रोलियम की भी 25 लाख की 50 लाख की ऑर्डर ये लड़का कर रहा है, लड़की भी 50 लाख की जॉब कर रहा है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन की आप फोटोग्राफ देखेंगे, ये हमारे एक एंटरप्रेन्योर है विशाल जी, उनका टर्नओवर ये साल 1 करोड़ तक पहुँच रहा है। तो ये EDP2 की लड़की है जिसका प्रोजेक्ट है प्रिंटिंग का, वो भी है। एक फूड में जा रहे हैं कुछ लड़के, हमने देखा कि भाई ये फूड अगर ये बना सकते हैं कि नहीं, तो हमने एक प्रैक्टिकल लेने की कोशिश की। उसके पहले पहला जो फोटो है, हाँ ये सर, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी में इनका हमने किया, करीबन 300 kg चॉकलेट्स इन लोगों ने बनाई और हमारा पहले ही कंटेनमेंट हमको सप्लाई किया। सेकंड था फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो भी हम लोगों ने पूरा कैप्चर किया, हमने टेस्ट भी किया कि ये लोग रियली फूड बना सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। दे आर परसुइंग बिग ड्रीम्स, राजा भाव इंगड़े जो अभी खड़े रहे, ऑलरेडी MIDC में एग्रीमेंट टू लीज एग्रीमेंट हो गया, प्लास्टिक बॉटलिंग में जाने वाले हैं। पॉजिटिव रिसेप्शन बहुत सारे मिलते रहते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, गुजरात समाचार, त्रिवेद मीडिया, बहुत सारे पेपर्स में इसी प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है। हमारे आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान साहब ऑलरेडी हम लोगों को आशीर्वाद दे चुके हैं, और उनके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने भी हमारे प्रोजेक्ट्स को सराहा है और सभी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके साथ MOU किया है ड्यूरिंग ये। त्रिपाठी जी हमारे सेक्रेटरी, डॉक्टर PL पुनिया जी एक्स चेयरमैन थे, ये कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं बीच बीच में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला मुझे ये प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। मैंने देखा कि दुनिया में जितने भी डेलीगेशन आए थे बहुत सारे दुनिया से अलग अलग देशों से, मैंने ये पूछने की कोशिश की भाई आपके देश में भी कोई ऐसा प्रयोग किसी Fortune 500 कॉर्पोरेट ने किया है क्या, तो मुझे तो कोई मिला नहीं। तो शायद मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम Fortune 500 कंपनी जो ऐसा काम कर रही है। डॉक्टर उदित राज जी के साथ अभी साउथ कोरिया जाने का मौका मिला डेलीगेशन, इसमें एक ही उद्देश्य था कि जो साउथ कोरियन बिजनेस छोटे छोटे MSCs है, वो MSCs और हमने जो लड़के और लड़कियाँ डेवलप की उनके बीच में कुछ बिजनेस टाइप हो जाए और उनका कुछ एग्रीमेंट हो जाए। गेल ऑलरेडी मैंने बताया हमारे साथ जुड़ चुकी है, और BPCL की ये जो टीम है, ये सब होता है तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हमारी HP सेवा की टीम है, वी ऑलवेज सेलिब्रेट अगर कुछ छोटी छोटी हमारी अगर कुछ होती है अचीवमेंट्स। तो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जो भी PSUs है स्पेशली ऑयल PSUs, उनके साथ हम लोग मिलके ये प्रोजेक्ट को पूरा ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ऑलरेडी ME और MOP की जो जॉइंट सेक्रेटरी मीटिंग हुई थी 6 अप्रैल को, वो मीटिंग में मैंने इसको प्रेजेंट किया था प्रोजेक्ट को, और काफ़ी इंकरेजमेंट मिली और सभी ऑयल सेक्टर्स को ये रिक्वेस्ट की गई मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज की तरफ से भी कि भाई ये प्रोजेक्ट आप करो। हम लोग जो चौथा हमारा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट हम स्पेशली फॉर द फार्मर्स SC ST फार्मर्स सन और डॉटर के लिए कर, जैसे अटवाल जी बोल रहे थे कि फार्मर्स का जो सामान है ये कोई पिचोला ले लेता है और उनको कुछ मिलता नहीं, तो हम अभी ये एक प्रयोग ऐसा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स है विच फार्म प्रोड्यूसर्स, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हमको ये प्रोजेक्ट करना है। तो ये हम लोग डेफिनेटली करेंगे EDP4 में। IOC ONGC MRPL जितनी भी ऑयल कंपनीज है हमके हमारे साथ जुड़ने की अभी कोशिश में है। कर्नाटका गवर्नमेंट की केस स्टडी है बट उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आदरणीय मंत्री जी है जो कि हमारे देश के सरकार की एक सदस्य है, सो उनके थ्रू मैं बोलना चाहूँगा MSME और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी कि टू रिव्यू द पॉलिसी ऑफ इन लाइन विथ SP सेवा स्पेशल मॉडल।
इश्यू न्यू पॉलिसी ऑन ट्रेनिंग मेंटोरिंग हैंड होल्डिंग सेफ गार्ड एंड डेवलपिंग SC/ST यूथ एज एंटरप्रेनर अ न्यू एक्ट लाइक अप्रेंटिसशिप एक्ट हमारे देश में अभी चलता है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है सो ऑन द सिमिलर लाइन अगर हम एंटरप्रेनरशिप एक्ट भी अगर करते हैं तो सभी PSUs में हम लोग हर एक ऑफिसर को ये टारगेट दे सकते हैं कि भाई एक साल में आपको एक एंटरप्रेनर क्रिएट करना है और वो डिपार्टमेंट में जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी होती है उसके लिए एक वेंडर डेवलप करना है तो इस तरीके का अगर कोई एक्ट हमारा सरकार बनाती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी स्पेशली SC/ST के लिए अदर्स की जो MSME 20% टारगेट तो ऑलरेडी मीट हो चुके हैं मीट होने वाले हैं क्योंकि अदर्स की बहुत सारी जो कंपनीज है मार्केट में है लेकिन SC/ST की नहीं है इसके लिए यस सर लास्ट दिस इज द लास्ट थिंग All PSUs and their seva shall be rupee like this.